जमीन विवाद को लेकर रावटी में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पुलिस के सामने दौड़ा दौड़ा कर तीन लोगों की हत्या कर दी, जिससे सुरक्षा का दावा करने वाली रावटी पुलिस सवालों में घिर गई है। खबर के मुताबिक पट्टे की 4 बीघा जमीन पर अपना कब्जा बताने की बात पर हुए विवाद में राधु भाबर और उसके साथ आए साथियों ने तलवार से हमला कर दिया। बताया जाता है कि भाबर परिवार ने बाइक से दूर दूर खेतों तक पहुंचकर हमला किया। हमले में पूर्व सरपंच मोहनलाल कटारा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें रतलाम जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। हमले में शंकर कटारा, मदन कटारा तथा गुलाब सिंह कटारा की मौके पर ही मौत हो गई है। जमीन विवाद रावटी से 12 किलोमीटर दूर नायन गांव में हुआ है। जमीन पूर्व सरपंच मोहन कटारा की बताई जा रही है। मौके पर मौजूद ग्रामीण ने बताया, साइन कर लो, साइन करवा दी, यहाँ बाटे थी, पीछे पड़ जाए। कौन कौन? ये हम बाबर पार्टी, 4-5 गाड़िया नायन में जाना है, तलवार से मारे। अरे हम यहाँ थी जावा, इधर हम नहीं पड़ा किने मारे, वेने के नहीं, वेने के कोई नहीं, हमने वहाँ फिर आउटी ले जाते रहे, हमें पास पास आया, फिर काम फिर जावा कोई साधन करी ने। तो जमीन कतरे बीघा थी? जमीन ये अब पट्टा में कतरी बोले गए पट्टा वहाँ सरपंच साहब कर। मामले की जानकारी देते हुए घायल मोहन कटारा की छोटी बेटी राधा कटारा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया, को दौड़ा दौड़ा के, और वो पूरे गांव के लोग थे और उनको दौड़ा दौड़ा के मारा, और जमीन का विवाद जरा सा, जमीन हमारी खुद की है सर, हमारा तो यही कहना है कि इसमें न्याय मिले, ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं तो क्या होगा ये, इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रशासन इस चीज को समझे और प्रशासन हमारा हेल्प करे बस। तो पुलिस के सामने मारा इन लोगों को? हाँ, पुलिस के सामने ही मारा मौके पे। मेरा नाम सीता। मामले की जानकारी देते हुए रावटी थाना SI महेश शुक्ला ने बताया, आज एक भी सब सीता जमीन का बात था, वर्तमान सरपंच हैं मोहन, उनकी जमीन के पास शासकीय जमीन पड़ी थी और गांव के गूंदीपाड़ा के वर्तमान जो पूर्व सरपंच थे उनसे इनका जमीन का विवाद था, उनका कहना मेरी है, तो आज पटवारी और पुलिस को लेकर गई थी, आदेश से नप्ति कराना था। नप्ति के दौरान आरोपीगण लक्ष्मण, बापू और आदि 14 लोगों ने मृतक शंकर, मगन और गुलाब को तलवार मारी, जिससे उनकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई और मोहन और रावजी घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। पॉलिटिकल कुछ इनका बैकग्राउंड है दोनों पक्षों का, क्या बैकग्राउंड है? नहीं, ऐसा तो मेरे को जानकारी उसकी नहीं, कि दोनों ही सरपंच है, एक वर्तमान सरपंच है, एक अभी सरपंच है। नप्ती के दौरान हुआ, अधिकारी वगैरह को मुझे नप्ती पंचायत में नप्ती करके तो पंचायत में आ गए थे, जो बात सत्य घटनास्थल ही पंचायत की है। नप्ती होने के बाद उनको समझा के पटवारी मैडम पुलिस आ गई थी, जो लिखा पढ़ी पंचनामा बना रही थी, उस दौरान पंचायत से झगड़ा शुरू हुआ तो वो जो मृतक भगे उनको पीछे उन्होंने जाके तलवारों से। अच्छा, मृतक परिवार का आरोप है कि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी और पुलिस के सामने ही हमला हुआ है? पुलिस एक SI थे, वो नप्ती के लिए गए थे ना, तहसीलदार के आदेश से हमराए गए थे, मदद में गए थे। सर, मरे जो, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो सरपंच के परिवार वाले हैं कि भांबर परिवार के? वर्तमान जो अब पूर्व सरपंच के उसके हैं, जो पूर्व में सरपंच मोहन जी थे उनके परिवार के हैं। लॉकडाउन में राहत मिलते ही शहर में अपराध तेजी से बढ़ने लगे हैं। विगत 24 घंटे में 2 वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। बुधवार शाम शास्त्री नगर में गोलीकांड हुआ तो गुरुवार रात हाकिमवाड़ा क्षेत्र में चाकूबाजी और सेलाना यार्ड में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सेलाना यार्ड लक्ष्मणपुरा चौराहे पर 3 युवकों ने अंकुश श्रीवास्तव के साथ मारपीट की। घायल युवक अंकुश PM आवास घोटाले की शिकायतकर्ता ममता श्रीवास्तव का पुत्र है। यहां तलवार से हमला करने की सूचना पर GRP पुलिस मौके पर पहुंची थी। GRP ने आरोपी चूचू रवि नेपाली नाटू उर्फ दीपेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसी रात करीब 10:30 बजे हाकिमवाड़ा चौराहे पर बाइक सवार एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल युवक मौके से भागा, जो पैलेस रोड पर राजवाड़ा के समीप गिर गया। आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल तथा अयुब खान भी अस्पताल पहुंचे। हमला धीरज शाह नगर निवासी 25 वर्षीय देवा जाट पर हुआ है। हमला अरुण सेन उर्फ अन्नू ने किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कर्मी ने बताया, ये सर क्या मामला है? ये देव जाट है, ये अपने दोस्त से मोनू से मिलने के लिए हाकिमवाड़ा गया था। वहाँ मिल के जब वापस आ रहा था तो 2 लोग है, बबलू ठाकुर और एक और अरुण सेन, इन लोगों ने उसे जान से मारने की नीयत से चाकू मारा जो उसके पीठ में लगा है, कमर में गोले के ऊपर। सर क्या मामला था कि जो विवाद हुआ?
मामला तो ये फिलहाल तो ये कोई बता नहीं पा रहे हैं, मगर पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है। दीनदयाल नगर इन दिनों समस्या नगर बनकर सामने आया है। डीटी नगर के एक सेक्टर में विगत चार दिनों से जल संकट घेरा गया है। खबर है कि इस क्षेत्र में चल रही खुदाई के दौरान ठेकेदार ने नागरिकों के नल कनेक्शन की लाइनें ही फोड़कर जल संकट पैदा कर दिया है। क्षेत्र में खुदाई होने से व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई है। ये देखो झाड़ों को उखाड़ रहा है ये जेसीबी वाला। बाउंड्री लाइन भी जाती जाती बची, बाउंड्री के बिल्कुल पास से जेसीबी वाला जो है ये देखिए वो झाड़ वहाँ पे उखड़ गया है। वो फिर कोशिश कर रहे हैं वापस से काटने की वो झाड़ बार बार, और ये जेसीबी वाला इसको बार बार उखाड़ देता है। शिकायत के बाद भी नगर निगम और ठेकेदार ने अब तक सुध नहीं लिए, जिससे नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय रहवासी बताते हैं बिना किसी नफ्ती के काम कर रहे हैं ये। अच्छा, बिल्कुल लापरवाही तरीके से इन्होंने क्या किया है कि पाइपलाइन फोड़ दी है। अच्छा, इससे चार दिन से पानी की परेशानी हो रही है। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी दूर जाना पड़ रहा है। और जो दो दिन पहले पानी आया था तब क्या स्थिति थी यहाँ पे? यहाँ दो दिन पहले जब पानी आया था तब पूरी पाइपलाइन फूटी होने के कारण पूरे मोहल्ले में पानी हो गया था। अच्छा, और पूरे मोहल्ले में कीचड़ हो गया था। तो इसके बारे में आपने किसी को सूचित करा? इसके बारे में पार्षद से बात करी है मोहल्ले के लोगों ने। अच्छा, पार्षद का यही कहना था कि करवा देंगे। तो भाई पानी की समस्या तो बहुत गंभीर समस्या है, अब ये चार दिन से पानी नहीं आ रहा है, कहाँ से भर रहे हो आप लोग पानी? हम लोग ये जा रहे हैं कभी यहाँ पे होल लगे हुए हैं आसपास के लोगों के यहाँ, कई बार किसी को बोल देते हैं एक टंकी लगी हुई है खास की, वहाँ पे भी पानी नहीं आता है, मोटर खराब हो रही है वहाँ पे भी। दो दिन चार दिन से बंद है। तो फिर आपने किसी को शिकायत वगैरह करी कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? बोरवाल के यहाँ गए थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? चार एक दिन बाद करने का कहा था बस। अच्छा, और कोई समस्या आ रही है आपको? अभी तो यही हो रहा है, और बाकी सब ये रोड थोड़ा करने में सब थोड़ा भंगा हो रहा है, झाड़ के ज्यादा टूट रहे हैं। झाड़ तोड़ दिया? अच्छा, तो कौन सा झाड़? मैं एक मिनट कैमरा उधर लेता हूँ। ये जो झाड़ है यहाँ पर रोड पर है, ये झाड़ भी तोड़ रहे हैं और इनको जो है नष्ट कर दिया जाएगा ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ये झाड़ों का दूसरी जगह स्थानांतरण भी नहीं कर रहे हैं और सभी के जो है ओटले वगैरह सब तोड़ दिए हैं, साथ में ये जो पाइपलाइन है इसको उखाड़ दी गई है और चार दिन से इनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। प्री मानसून की बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं के पोल खोलकर नगर निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शहर में हुई सीवरेज खुदाई से रहवासी त्रस्त हैं। खुदाई के बाद हुई कमजोर भराई ने क्षेत्र में गड्ढों को जन्म देकर हादसों को ही न्योता दिया है। ये है दीनदयाल नगर स्थित बी सेक्टर, जहां मामूली सी बारिश ने पोल खोलकर इस क्षेत्र के रास्ते बंद कर दिए हैं। गड्ढों में पानी भरा होने से यहां गड्ढे मच्छरों की शरण स्थली बने हैं। वहीं कीचड़ से पूरे क्षेत्र की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बताया जाता है कि सीवरेज ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर चला गया, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। क्षेत्रीय रहवासी बताते हैं कि दीनदयाल नगर बी सेक्टर, ये जो नगर निगम द्वारा खुदाई की गई थी और ठेकेदार काम अधूरा छोड़ के चला गया है, और यहाँ पर ये हालत है, ये पूरा गड्ढा बन गया है और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ कंप्लेंट भी की है लोगों ने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्षेत्रीय नागरिक से मैं आपकी बात कर रहा हूँ। भाजी, ये कीचड़ कब से हो रहा है? ये जिस रोज पानी आया उस रोज से ये जो पानी भरा हुआ है। तो ये ऐसा पहले भी होता था क्या? ये अभी हो रहा है? नहीं, ये पहली बार ही हुआ। तो ये इसका कारण क्या होने का? ये रोड बना ना, उधर ऊंचाई कर दी है, यहाँ गड्ढा रह गया, ये आगे वाला जो ऊंची जगह। तो ये यहाँ पे रोड नहीं बनाया ठेकेदार ने? नहीं बनाया, नहीं बोला बाद में बनाएंगे, और अभी बना ही नहीं बना। तो ये परेशानी तो बहुत आ रही है, कैसे निकलेंगे लोग यहाँ से? हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, मच्छर बहुत होते हैं और मच्छर हो रहा है इसका, पानी भरा हुआ है। तो आपने किसी को शिकायत करी इसकी? दो बार ऐसे ही मोबाइल पे भेजा हमने मैसेज, तो कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हम मोबाइल पे क्या रहा है? मोबाइल पे 181 पे। अच्छा, तो कोई आया नहीं यहाँ पे कुछ? कोई नहीं आया।
उधर बना दिया, इधर नहीं बनाया, छोड़ के चले गए काम। अच्छा, ये हालत है पूरा जो रोड है, और लोगों के निकलने की भी जगह नहीं है इस रोड पर। पैदल चलने वाले परेशान हो रहे हैं घर से निकल के, और यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए, इन लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। शुक्रवार से कृषि उपज मंडी में प्याज की नीलामी शुरू हुई। सुबह से ही पावर हाउस रोड पर प्याज से भरी ट्रालियों की कतारें लग गई थी, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ती रही। मंडी में करीब 3000 कट्टे प्याज की आवक हुई, जो 6 से 8 रुपए किलो में नीलाम की गई। प्याज की बम्पर आवक से मंडी गुलाबी हो गई थी, लेकिन किसानों व्यापारी बार बार आसमान को देख चिंतित रहे। अपने उपज लेकर आए कृषकों ने बताया, किस भाव में प्याज लेके आए थे, किस भाव में बेच रहे हो? ये 8 रुपए किलो का प्याज था, पर क्या करें, मुश्किल से 5 रुपए किलो पैसे में देना पड़ा। मंडी कर्मी ने एन टाइम्स को बताया, सर प्याज क्या जो नीलामी हो रही है, सर प्याज क्या भाव बिक रहा है, क्या भाव की नीलामी है? अभी करीबन हम 200 ट्रालों की ट्रालियों की बुकिंग ले रहे हैं, 200 ट्राली जिसमें लहसुन प्याज और करीबन 100 से 125 ट्राली प्याज आ रहा है, और नीचे में 230 से लगातार 827 रुपये प्रति क्विंटल प्याज बिक रहा है। सर रतलम शहर का आ रहा है क्या, रतलम ग्रामीण? रतलम तहसील का। लगातार फैल रहे कोरोना वायरस के दौर में सावधानी नहीं बरतने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस कार्रवाई में नगर निगम के कर्मचारियों का व्यवहार नागरिकों के साथ सही नहीं रहा है। कई बार विवाद की स्थिति भी बन गई है। सेलाना बस स्टैंड चौराहे पर गुरुवार को नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक एपी सिंह के नेतृत्व में अमले ने बिना मास्क लगाए सड़कों पर वाहन लेकर निकले लोगों को रोका, पहले समझाइश दी और फिर 50 रुपए का जुर्माना भी वसूला। जुर्माना वसूलने के साथ नगर निगम अमले ने ऐसे लोगों को मास्क भी दिए। सेलाना बस स्टैंड पर नगर निगम के अमले ने कई नागरिकों के साथ मास्क लगे होने के बाद भी रोक कर उनका जुर्माना कर दिया, जबकि ऐसे लोगों के मुंह पर मास्क लगा तो था किंतु नाक से नीचे बंधा था। नगर निगम के कर्मचारी को इस तरह के मामले में समझाइश दी जा सकती थी, किंतु नगर निगम कर्मचारी ने ऐसे लोगों से भी जुर्माना वसूल लिया। पंकज जी, अभी जो आपका चालान बनाया गया, किस लिए बनाया गया? मास्क नहीं पहना। आपके मुंह पे मास्क तो लगा हुआ है। मास्क लगा तो खसक जा रहा है, नीचे खिसक रहा है। हाँ। अच्छा, तो जो मास्क अभी आपको दिया है, किसने दिया है ये? सर मैं रेलवे एम्प्लॉई। आप रेलवे एम्प्लॉई है, ये जो मास्क दिया है किसने बनाया चालान आपका मास्क देकर? नगर पालिका ने। कितने रूप चालान बनाया? 50। बिना मास्क लगाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम की यह कार्रवाई सरकार के आदेश पर हो रही है। सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य किया था। मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम इसी आदेश के तहत पर कार्रवाई में जुटा है, किंतु इस कार्रवाई में कई बार विवाद की स्थिति बन रही है। सेलाना बस स्टैंड पर रायपुरिया निवासी वाहन चालक से भी नगर निगम अमले की तीखी बहस हुई थी। रतलाम शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण कम्युनिटी में तेजी से फैलने लगा है। गत 2 दिन में 6 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। शहर में अब कुल 44 कोरोना मरीज हो गए हैं, जिनमें से 11 एक्टिव मरीज है, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। गुरुवार की दोपहर को इलाज के लिए भर्ती कराए गए 62 वर्षीय नयापुरा निवासी की मौत शाम को हो गई थी, जिसकी शाम को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इसके पश्चात आज दोपहर में मेडिकल कॉलेज से प्राप्त रिपोर्ट में एक 16 वर्षीय बालिका कोरोना पॉजिटिव निकली। यह बालिका टाटा नगर की रहने वाली है और पूर्व में मृत कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में रही थी।
बजरंग दल के पूर्व पदाधिकारी रमेश सिंधी को गोली मारने वाले 3 आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए। हमले की मुख्य वजह पैसों का लेन देन निकलना था। बुधवार की शाम को स्थानीय सिविक सेंटर में एक हेयर सैलून की दुकान पर बजरंग दल के पूर्व पदाधिकारी रमेश सिंधी पर मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों में से एक युवक ने दुकान के अंदर जाकर गोली मार दी थी और फरार हो गए। घायल रमेश को उनके मित्र इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले गए, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची थी। पुलिस ने 3 आरोपी लोकेंद्र उर्फ गट्टू भूरिया, मोनू उर्फ मनोज, गनी उर्फ गजन के खिलाफ प्रकरण दर्ज तलाश शुरू की। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन 3 आरोपियों को उज्जैन भागने के पूर्व पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमले की मुख्य वजह घायल और मुख्य आरोपी लोकेंद्र के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ विवाद था। आरोपी और रमेश सिंधी पहले ही दोस्त थे, लेकिन पैसों के लेनदेन में इनके बीच विवाद हो गया था और तब से ही आरोपी लोकेंद्र रमेश सिंधी को सबक सिखाने की फिराक में था। ये कल शाम लगभग 7 बजे की घटना है। थाना स्टेशन रोड अंतर्गत परियाली जो रमेश सिंधी नामक व्यक्ति है उनके ऊपर 3 लोग मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने फायरिंग किया, जिसके कारण वो इंजर्ड हो गए और उन्हें फिर हायर मेडिकल इलाज के लिए रेफर किया गया। इसमें पुलिस ने मामले की समस्या को देखते हुए तत्काल जो 3 लोग थे उनकी आइडेंटिफिकेशन करके नामने FIR की गई और इसमें थाना प्रभारी स्टेशन रोड DSP साहब हरी सर जी साहब उन्होंने काफी तत्परता से कार्रवाई करते हुए वो 3 आरोपी जो थे इन्हें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में है ये लोग हैं और जिससे व्यक्ति पूछताछ की जाएगी। मैं मोटरसाइकिल प्रेस हुआ था वो कितना मोटरसाइकिल है, वह पिस्टल जब जब्त हुआ है, इनके पास से वो कहाँ से लाए, कौन सप्लायर है आदि अन्य लोगों का भी विस्तृत की जाना बाकी है। यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो मुख्य कारण अभी तक सामने आया है पूछताछ में फरियादी के स्टेटमेंट में, उसमें यह कहना है कि पूर्व में ये लोग आपस में साथी ही थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इनके बीच में पैसों को लेकर विवाद चल रहा है। ये छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ठेकेदारी का, बनाने का, निर्माण करने का, उसमें लेकर जो आरोपी पक्ष है उसका कहना है कि फरियादी इंटरफेयर करता है या हमें दिखा दिखाने का प्रयास करता है। एक तरह से देखा जाए तो फरियादी और आरोपी हैं, मुख्य आरोपी जो है ये दोनों ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इन दोनों के खिलाफ 8-8 मामले पंजीबद्ध हैं और गंभीर धाराओं के 302 307 जैसी धाराएं लगी हैं इनके ऊपर। तो इसमें एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई भी कह सकते हैं जो अपना दूसरे को नशा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। कोरोना पॉजिटिव प्रसूता ने गुरुवार रात नवजात को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन ने गर्भवती महिला MCH में भर्ती थी, जिसे डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां विशेष रूप से तैयार लेबर रूम में प्रसूति करवाई गई। मेडिकल कॉलेज से गई टीम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पारुल, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर सारिका, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश तिलकर, बाल रोगी डॉक्टर सतीश कामरे एवं स्टाफ ने प्रसूति करवाई, जिसने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। नियमों के तहत लेबर रूम को सैनिटाइज सहित अन्य उपाय करवाए गए। अस्पताल प्रभारी सुश्री शिराली जैन भी पूरे समय अस्पताल में मौजूद रही। नवजात शिशु मां के साथ ही रहेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने एन टाइम्स को बताया, पॉजिटिव पाई गई थी सर, उसका आज ऑपरेशन हुआ सर, क्या क्या रहा? ऑपरेशन से बालिका का जन्म हुआ है जी। हमारे हॉस्पिटल की पूरी टीम इस कार्य के लिए प्रयासरत थी और रात से हमने इसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दी थी। हमने इसके लिए 3 OT हमारे तैयार की गई थी। अंत में हमने इस OT का चयन किया इसके लिए जो हमारे जिला चिकित्सालय में स्थित है और पूरी टीम ने अच्छा इसमें सहयोग प्रदान किया। डॉक्टर रेखा विमल ने इसका ऑपरेशन किया उनकी टीम ने, जिसमें मुकेश और सॉरी सैलन डावर एनेस्थेटिक्स थे, डॉक्टर रजत दुबे, डॉक्टर रवि दिवेकर, इनने पूरा इसके OT के चयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और क्वालिटी के हिसाब से भी जो सुविधा प्रदान करना चाहिए वो सारी चीज़ों का उन्होंने देखकर काम किया है।